हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है स्वादिष्ट सूजी का हलवा। अगर आप ये एक बार बना लेंगे तो आपको लगेगा बार बार इसी तरह से बनाऊं मैं। और इस सूजी के हलवे में मैंने ना तो चीनी मिलाया है और ना ही पानी। तो चलिए बनाते हैं इस सूजी के हलवे को। यहाँ पर मैंने एक चम्मच घी डाला है और उसमें डाल देंगे काजू और बादाम, ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इस पर नहीं लाना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए बस इसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक कप सूजी यानी कि रवा। और इस पैन में मैं डाल देती हूँ अब 1/3 कप घी यानी 1/3 कप घी। और अब इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी को डालने के बाद इसे अच्छे से हमें घी के साथ भूनना है। हलवा बनाने के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि सूजी को आप बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं भून सकते हैं। इसे बहुत ही धीरे धीरे आराम से भूनना होता है और इसे हम घी में आराम से ऐसे ही करके भूनते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा घी मैं यहाँ पे डाल दूँगी क्योंकि घी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर घी और डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे, हल्का सा इसमें एक कलर आने लग जाए। ये देखिए कलर इसका चेंज होने लग गया है और सूजी से घी भी रिलीज़ होने लग गया है। जैसे जैसे आप सूजी को भूनते जाएंगे घी उससे थोड़ा सा रिलीज होने लग जाता है। और देखिए सूजी ने अब बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लिया है और बढ़िया सी इसमें खुशबू आने लग गई है। तो सूजी जो है वो भूनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इसके लिए हमें मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं चीनी का और पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दूध। जी हाँ, बिल्कुल दूध यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 3 कप दूध यूज़ करेंगे 1 कप सूजी के लिए। और ये है मिश्री, चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ हम मिश्री का यूज़ करेंगे। और ये मिश्री मैंने यहाँ पे 3/4 कप लिया है। अगर आप चीनी लें तो 1 कप भरकर चीनी लें, क्योंकि 1 कप सूजी के लिए 1 कप चीनी, 1 कप घी और 3 कप पानी या दूध, जो भी आप लेते हैं, ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है। और इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और इन सबको अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसमें 1/2 चम्मच मैंने कूटा हुआ इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आप फ्रेश कूट के डालते हैं इलायची तो उसकी खुशबू अलग ही आती है, बहुत अच्छी आती है। और इन सबको अच्छे से मिलाकर हम बॉयल कर लेंगे थोड़ी देर के लिए दूध को, बस 2 से 4 मिनट के लिए मिश्री इसमें घुल जाए उतने ही देर तक। और अच्छे से बॉयल करने के बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और इस तरीके से अगर आप हलवा बनाएंगे ना तो मानो आपको खाकर ऐसा लगेगा जैसे साक्षात ये देवी का बिल्कुल देवी के लिए जो प्रसाद बनता है वैसा ही इस हलवे को खाने के बाद आता है टेस्ट। बहुत ही अच्छा ये हलवा बनकर तैयार होता है। और इस तरीके से आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार इसी तरीके से बनाकर खाने का मन करेगा। तो अब हम ये मसाला जो बनाकर तैयार किए हैं उसको सूजी में थोड़ा थोड़ा कर डाल देंगे। इस तरह से चलाते हुए सूजी में इसको डालते जाएंगे और बिल्कुल आप निश्चिंत होकर डालें, क्योंकि ये जो सूजी है वो दूध चीनी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी। तो इसलिए हम पूरे दूध को इसमें डाल देंगे, एक बूंद भी बचाना नहीं है दूध का, और पूरा दूध इस सूजी के अंदर डाल देंगे। आज तक इस तरीके से किसी ने भी हलवा बनाना नहीं सिखाया, आप ज़रूर बनाएं अपने घर में इस तरीके से हलवा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे आपको करनी होगी क्योंकि यहाँ पे हमको लगातार चलाते रहना पड़ता है। अभी जब दूध इसमें डालते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा देखने में लगता है जैसे कोई मेज़रमेंट हमारा ख़राब तो नहीं हो गया और कहीं हलवा हमारा ख़राब तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से इसको चलाते चलाते, क्योंकि आप या तो खीर बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, इसको कढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसे जितना कढ़ेंगे आपका हलवा या खीर उतना ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और इसमें मैंने 1/3 कप घी और डाल दिया है क्योंकि हलवा तो बिना घी के बनेगा ही नहीं। और अगर आपको घी कम खाना पसंद हो तो आप इसमें कम डाल सकते हैं, लेकिन हलवे में तो रिचनेस तभी आती है जब भर भर के इसमें घी डालते हैं। और ये घर का ही बना हुआ घी है।
तो मुझे तो हलवे में घी अच्छे से चाहिए होता है, क्योंकि अगर हलवे में घी नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा हलवा खाने का। और देखिए, इस हलवे ने अपना घी रिलीज़ करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। इसको भुनते भुनते काफ़ी टाइम हो गया है और हलवे में एक अच्छी सी रिचनेस भी आ गई है। आप देखिए, किनारे साइड से इसके घी निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है हलवे का। और आई होप इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये देखिए, एकदम से इसका एक एक दाना खिल जाता है हलवे का, फूल जाता है सूजी इसके अंदर जाकर। और इसको भुनना, इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हलवा जो है अब बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया है, आपको जितना पसंद हो आप अपने हिसाब से डालें। और अब इसको आ गई सर्विंग की बारी। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में हम इस सूजी के हलवे को सर्व कर देंगे। और ये देखिए, वाह क्या हलवा है, एकदम सॉफ्ट, रूई की तरह एकदम सॉफ्ट ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी, और इसका टेक्सचर भी ज़बरदस्त आया है। तो उन पुराने तरीकों को छोड़िए और बनाइए इस तरीके से लाजवाब और टेस्टी हलवा। आपके घर वाले तो खुश होंगे ही, और माता रानी को अगर आप ये भोग बनाकर चढ़ा देंगे तो मन चाहा वरदान पाएंगे आप माता रानी से। इस तरीके से एक बार ये हलवा बना लिया ना, तो आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं बनाया था ऐसे हलवा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।